के पुलिस महोदय, मैं उनका हृदय से स्वागत करता हूं। और सर, इस ऑनलाइन कार्यक्रमों के संदर्भ में अत्यंत विशेषज्ञ हैं आपको सर हम प्राप्त कर इस अवसर पर अत्यंत कृतार्थ हो रहे हैं। आपका कोना पुण्य से हम लोग स्वागत करते हैं और स्वागत करते हैं हम अपने कार्यक्रम की संयोजिका एवं अध्यक्षा प्रोफेसर अमिता पांडे भारद्वाज मैम का एवं हमारे सभी प्रतिभागियों का इस सत्र में पौना पुण्येन स्वागतम कुर्मः। और विशेष रूप से यह सत्र हमारा लाइव चलने वाला है, तो जो भी हमारे देश भर में विद्यापीठ के छात्र ग्रहण करने की इच्छा रखने उसे देखेंगे, हम उनका भी हृदय से स्वागत करते हैं और आह्वान करते हैं कि हम सभी लोग इस कार्यक्रम का लाभ लें और अपने अध्यापन में तंत्रीय विद्याओं का, अंतरजालीय विद्याओं का प्रयोग कर अपने अध्यापन को सुनिश्चित करें और उत्तमाति उत्तमतया अपने विषयों को छात्रों तक पहुंचाएं। इसी आशा के साथ मैं बहुत विघ्न ना होते हुए हमारे आज के मार्गदर्शक प्रोफेसर एस के पुलिस्त महोदय से निवेदन करता हूं कि वो हमारा इस विद्या के संदर्भ में मार्गदर्शन करें। डॉक्टर, आप सबको नमस्कार। सभी प्रतिभागियों को फिर से एक बार स्वागत है। और जो हम इस कोरोना दौर के अंदर यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, इसका एक बहुत अच्छा सा प्रयोजन है कि हम सब मिलकर हमारा जो टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस है उसमें एक पैराडाइम शिफ्ट लेके आने वाले हैं। आप देखेंगे कि कोरोना काल से पहले सारी जो गतिविधियां थी पढ़ने की, पठन पाठन की, वो सारी हमारे जो क्लासरूम तक लिमिटेड थी बहुत करके। तो अभी हमें ये मौका मिला है, हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी भी है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, और इसको हम मौके को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करें, उसका फायदा उठाएं और अपने आप को इसलिए सक्षम बनाएं कि किसी भी टाइप के दौर के अंदर हम अपनी प्रतिभाओं को इस्तेमाल करके अपने छात्रों तक सही तरीके से सही ज्ञान के साथ पहुंच पाए। तो आप देखेंगे कि जो पठन और पाठन की क्रिया है उसमें कुछ चीजें इन्वॉल्व है। सबसे पहले तो टीचर का होना बहुत जरूरी है और उसके साथ स्टूडेंट का होना जरूरी है। फिर हमारे पास जो पाठन सामग्री है जो कि टीचर स्टूडेंट को पास ऑन करता है, उसका होना जरूरी है। और एक जो चौथी इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारा एनवायरनमेंट, हमारा वातावरण। उस वातावरण में अगर हम फेस टू फेस एजुकेशन में देखते हैं तो हमारा क्लासरूम एक वातावरण हमें देता है जहाँ पे हमारे छात्र और हमारे अध्यापक दोनों मिलकर और एक सिलेबस का ट्रांजेक्शन करते हैं जिसमें कि टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस हमारा पूरा होता है। तो उसके अंदर कुछ कम्युनिकेशन के साधन इस्तेमाल होते हैं, जैसे हमारे अध्यापकगण जो है वो अपनी बात करने के जाहिर से बोलने से अपने जो बोर्ड है हमारा कक्षा के अंदर, ब्लैक बोर्ड, काला बोर्ड, उसको इस्तेमाल करके अपनी जो जानकारी है वो छात्रों तक पहुंचाते हैं। इसी तरीके का कुछ आज के दौर में जो हम बात करते हैं ऑनलाइन एजुकेशन की, सारी चीजें ऑनलाइन एजुकेशन में भी उसी तरीके से होती है। यहाँ पे भी हमें एक पूरा जो बुके ऑफ कंपोनेंट है उसकी जरूरत है। हमारे पास टीचर की जरूरत है, स्टूडेंट है उसकी जरूरत है, टीचर के पास क्या कंटेंट ट्रांजेक्ट करना है उसकी जरूरत है। कंटेंट किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है, ऑडियो में, वीडियो में, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के अंदर, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर, या फिर वो व्हाइट बोर्ड यूज करके जैसे मैथमेटिक्स के सवाल हैं उनको स्टूडेंट्स के सामने हल कर सकते हैं। तो इस तरीके की सुविधाएं भी हमारे ऑनलाइन सिस्टम में मुहैया है, अवेलेबल है। कुछ चीजें परचेज करने वाली होती हैं, कुछ चीजें हमारे पास ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज के तहत फ्री में भी उपलब्ध है। तो ये हमारा टीचर, स्टूडेंट, हमारा जो कंटेंट है वो। और अब एक जो बहुत महत्वपूर्ण जो चीज है वो एनवायरनमेंट। हमारे जो फेस टू फेस टीचिंग के अंदर क्लासरूम हमें एक बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट देता है। क्लासरूम नहीं है तो आप किसी पार्क में पेड़ के नीचे बैठ के भी छात्रों को पढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे वो इस तरीके का क्या किया जाए कि हमारे छात्र, हमारे स्टूडेंट, हमारा कंटेंट सब कुछ इकट्ठा हमें एक जगह पे मुहैया हो जाए। अभी आज के दौर में आप देखेंगे कि बहुत सारी चीजें हमारे पास उपलब्ध है। हमारे पास ऑडियो बनाने के टूल्स उपलब्ध हैं, हमारे पास वीडियो बनाने के टूल्स उपलब्ध हैं। हम अपनी पीडीएफ की फाइल जो है अपने छात्रों तक ईमेल के थ्रू पहुंचा सकते हैं, अपनी चीजें हम ऑडियो में, वीडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। हम बच्चों का जो फॉर्मेटिव असेसमेंट है
हम वो भी कर सकते हैं, उनका उन्होंने कितनी पढ़ाई करी, लर्निंग प्रोसेस कितना कंप्लीट हुआ, कितना इफेक्टिव था, कितना सक्सेसफुल था, ये सारी चीजें हमारे पास है। बट आप देखेंगे कि हम ये सारी चीजें पीस मिल में करते होते हैं। एक क्विज हमने भेजी, उसका हमने रिजल्ट ले लिया, एक पीडीएफ हमने भेजी, उस पे हमने डिस्कस कर लिया, एक ऑडियो वीडियो भेजी, हमने छात्रों को बोला कि आप इसको देखिए, ये सारी चीजें। तो एक बहुत जरूरी है कि हमारे पास एक एनवायरमेंट ऐसा हो जिसमें सारी चीजें ये मुहैया हो, इंटीग्रेटेड हो बहुत बढ़िया तरीके से। और ये एनवायरमेंट हमें जो है वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम देता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है हमारे जो पठन पाठन की जो प्रक्रिया है उसका। ये भी बहुत सारे नाम से, बहुत सारे फीचर्स के साथ हमारे पास उपलब्ध है। कुछ एक जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है वो पेड होते हैं, वो काफी सोफिस्टिकेटेड और हाई एंड के सिस्टम होते हैं, बहुत सारी उसमें सुविधाएं होती हैं, बहुत सारे ऐसे फीचर्स होते हैं कि टीचर हर एक्टिविटी को बड़े अच्छे तरीके से कंट्रोल्ड वे के अंदर बच्चों तक पहुंचा सकता है। इसके साथ साथ कुछ चीजें हमारे पास ओपन सोर्स के तहत या फ्री ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के तहत भी उपलब्ध है। तो जैसे आपने मूडल का नाम सुना होगा, मूडल एक बहुत बढ़िया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और बहुत सोफिस्टिकेटेड है। उसमें बहुत सारी ऐसी सुविधाएं हैं जो टीचर और स्टूडेंट, छात्र और अध्यापक को दोनों को मुहैया है, और एक बहुत अच्छे तरीके से हमारी जो पठन पाठन की प्रक्रिया है उसको हैंडल करता है। इसी तरीके से कुछ पेड है आपका, अगर आप क्लासरूम की बात करें, कैनवास की बात करें, तो ये ऐसे बहुत हाई एंड पेड हमारे लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है। कुछ लोग गूगल क्लासरूम को भी यूज करते हैं, ये भी एक बहुत बढ़िया लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है और जो कि हमें फ्री में मुहैया है। इसके साथ साथ एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है एडमोडो। अब ये एडमोडो मैंने क्यों चुना, इसके भी कुछ एक कारण है और इसकी अपनी विशेषताएं हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि मूडल जो है एक बहुत सोफिस्टिकेटेड और बहुत अच्छा लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, और आज की डेट में अगर हम इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, यूनिवर्सिटी या किसी संस्थान लेवल पे अगर उसकी प्रेफरेंस की बात करें, तो मूडल सबसे चहेता जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है आज की डेट में, वो ओपन सोर्स है। सिर्फ आपको करना क्या है, अपने इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे जो टेक्निकल लोग हैं उनकी मदद से आप उसको अपलोड करिए और आपके सारे टीचर्स और स्टूडेंट उसको एक्सेस कर पाएंगे। तो इसमें ये चीजें होना जरूरी है, आपकी इंस्टीट्यूशन की अपनी वेबसाइट है, आपका अपना एक डोमेन नेम है, आपके पास ऑनलाइन जो क्लाउड के अंदर कुछ एक स्पेस अवेलेबल है जिसकी की कुछ थोड़ी सी प्राइस हमारे इंस्टीट्यूशन को देनी होती है। तो वो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम मॉडल इस तरीके से हमारा चलेगा। अब ये जो एडमोडो है, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम होते हुए एक तो बढ़िया चीज ये है कि इसका क्लाउड में सारा कुछ वास है, तो आप डायरेक्टली क्लाउड से आप इसको यूज कर सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा कुछ डाउनलोड करने वाला चीज नहीं है कि आपके सिस्टम पे आपको कुछ रखना है या बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड या कॉम्प्लिकेटेड है। तो ये बेसिकली दो लेवल पे काम करता है। एक लेवल है इसका आपका जो पठन पाठन की जो क्रियाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, उनको ये मैनेज करता है। उसके साथ साथ हमारी सोशल लर्निंग का भी एक ये नेटवर्किंग टूल है। उसमें आप अपने जो फेलो कोलिग्स हैं, टीचर्स हैं, या दुनिया में किसी खास विषय में कुछ काम करने वाली हमारी जो कम्युनिटीज हैं, उनके साथ आप जुड़ सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो वर्ल्ड वेब है, हमारा जो ग्लोबल नॉलेज का रिपोजिटरी है, आप उसको भी इसके थ्रू एक्सप्लोर कर सकते हैं। नई चीजें आप जानकारी हासिल कर सकते हैं, नए नए रिसोर्सेज आप खुद सीख सकते हैं और अपने छात्रों तक उन नए नए रिसोर्सेज को पहुंचा सकते हैं। जो चीजें इसमें उपलब्ध हैं वो मान के चलिए कि वो सारे फ्री ओपन टू यूज हैं, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं। इसके साथ साथ आप बाहर से भी अपने कंटेंट क्रिएट किए हुए, अपने रिसोर्सेज क्रिएट किए हुए, वो इसमें आप अपलोड कर सकते हैं, अपने स्टूडेंट्स को वो मुहैया करवा सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। इसके साथ साथ आप कुछ और कंटेंट जो कि हमारे ओपन वेब के अंदर अवेलेबल हैं, वो भी आप अपने छात्रों को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, उनको भेज सकते हैं। बट उसमें आपको ये देखना है कि कोई भी कंटेंट, कोई भी वेबसाइट अगर आप वहां पे जाते हैं, तो आप ये एक बार चेक कर लें कि ये फ्री टू यूज है क्या। अक्सर तो ये देखा गया है कि कोई भी कंटेंट जो हमारे पास इंटरनेट पर उपलब्ध है वो हमारे एकेडमिक एक्टिविटीज के लिए फ्री होता है। ये एक एथिकल बात है कि कोई भी जो दुनिया में नॉलेज है वो नॉलेज प्रसार के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक हमारा थंब जनरल रूल है। बट उसके बावजूद भी अगर कोई ऑथर है, वो चाहता है कि मेरा जो कॉपीराइट वो मेरे पास है, अगर कोई भी आदमी दुनिया में इस रिसोर्स को जो कि मैंने क्रिएट किया है, जो कि मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, उसको अगर यूज करना चाहता है, तो मुझसे पहले परमिशन ले ले, या मैं किसी कंडीशन के ऊपर उसको वो मैं मुहैया कराना चाहूंगा। तो ये हमारे टीचर्स की अपनी जिम्मेदारी है कि वो इस तरीके के जो रिसोर्सेज हमारे इंटरनेट से लेंगे
उनको अपने स्टूडेंट्स को मुहैया करवाते टाइम ये लाइसेंसिंग पॉलिसी उसको देख लें कि ये ओपन सोर्स है या कहीं पे कोई इसकी लाइसेंस की रिस्ट्रिक्शन है। तो ये बात हुई जनरल में हमारे जो कंटेंट हैं या हमारे ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं उनको एडमोडो में शेयर करने के लिए। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको और उसमें जानकारी एडमोडो के बारे में खास तौर से देना चाहूंगा, और इसमें ये जो मैंने एक पावर पॉइंट छोटी सी प्रेजेंटेशन जो बनाई है हम इसके ऊपर आते हैं। और इसमें जो बेसिकली है हम ये डिस्कस करते हैं कि ये एडमोडो है क्या। जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक सोशल लर्निंग नेटवर्क भी है और इसके साथ ये लर्निंग को मैनेज करने का एक टूल भी है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी है। इसमें क्या क्या सुविधाएं आपको उपलब्ध हैं इस के ऊपर, ये जो हमारा फ्री वर्जन है उसके अंदर हम टीचर्स, स्टूडेंट्स और स्टूडेंट्स के पेरेंट्स उन सबको इकट्ठा एक जगह पे एक प्लेटफॉर्म पे लेके आ सकते हैं। जो टीचर्स हैं वो हमारा पढ़ाने का काम करेंगे, स्टूडेंट हमारा पढ़ने का काम करेंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स को जो पेरेंट्स हैं उनको भी हम इन्वॉल्व कर सकते हैं कि वो अपने बच्चों के प्रोग्रेस को वो टाइम टाइम पर देखते रहें। ये उनको पता लगे कि टीचर ने कौन सा असाइनमेंट किस टाइम पे हमारे बच्चे को दिया, और उनको ये भी पता लगे कि हमारे बच्चे ने असाइनमेंट किया है कंप्लीट या नहीं किया है, इसका शेड्यूल क्या है, और अगर कंप्लीट किया है तो बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है। आप देख रहे होंगे कि स्कूल के अंदर वीकली या मंथली बेसिस पे हमारी पेरेंट टीचर मीटिंग होती है, तो उन पेरेंट टीचर मीटिंग का इंटरेक्शन का जो असली जो खास मादा है वो यही है कि पेरेंट्स को टीचर से बात करने के बाद अपने बच्चे की परफॉर्मेंस का पता लगता है, कहाँ पे उसकी समस्याएं हैं, कहाँ वीकनेसेस है, वो दोनों मिलके बच्चे के भविष्य के लिए इन कमियों को सुधारने के लिए फोकस कर सकते हैं। तो यह हुआ। तो जब हम पठन पाठन की क्रियाओं के अंदर पेरेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं तो वो हमारे जो जिस लेवल के बच्चों को, बीए लेवल के बच्चों को या हायर एजुकेशन के बच्चों को जब हम हैंडल करते हैं तो बच्चों को ये अच्छा नहीं लगता कि पेरेंट्स को इसमें इन्वॉल्व किया जाए। लेकिन जो सातवीं आठवीं या नीचे की जो क्लासेस हैं उसमें टीचर्स भी चाहते हैं, पेरेंट्स भी चाहते हैं हम बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर करते रहें, तो उस लेवल पे ये सिस्टम बहुत बढ़िया है और पेरेंट्स को उसके बारे में जानकारी देता रहता है। तो ये बेसिकली जो LSM है, लर्निंग मैनेजमेंट LMS है, ये किसी भी स्तर के बच्चे, हमारे जो स्कूल एजुकेशन है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन है या हायर एजुकेशन है या टर्शियरी एजुकेशन है या कोई ट्रेनिंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं उनके लिए, सभी के लिए ये इस्तेमाल करने लायक है। तो इसलिए मैं ये एडिशनल फीचर्स हैं उसमें से हमें देखना है कि हम किस लेवल के फीचर्स को इस्तेमाल करेंगे। तो जैसे हम आज देख रहे हैं कि हमारे जो सारे अध्यापक गण हैं वो हायर एजुकेशन में इन्वॉल्व हैं, उनमें क्रियान्वयन करने के लिए तैयार हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि टीचर और लर्निंग का जो हमारा एस्पेक्ट है उसमें स्टूडेंट इन्वॉल्व हैं, तो दोनों के बारे में हम आज देखेंगे कि किस तरीके से टीचर और लर्नर, स्टूडेंट या टीचर, ये इस LMS को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके साथ में जैसे मैंने आपको बताया कि ये दो पहलुओं पर काम करता है एडमोडो। एक तो हमारा सोशल लर्निंग नेटवर्क के जरिए हमें ये नॉलेज प्रोवाइड करता है, दूसरा है लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। तो इसमें जब हम आप देखेंगे स्क्रीन पे, मैंने इसमें लिखा है कि क्रिएशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ग्रुप्स, जो ये ग्रुप्स हैं ये सोशल लर्निंग मैनेजमेंट का पार्ट है। इसमें जो टीचर हैं वो अपनी कम्युनिटीज क्रिएट कर सकता है, और जो ऑलरेडी हमारे नेट के ऊपर कम्युनिटीज हैं, जैसे अगर कोई टीचर चाहता है कि मैं ICT टूल्स के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानूं, या मैं किसी खास विषय के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानूं, या मैं किसी संस्कृत के किसी खास विषय में ज्यादा से ज्यादा जानूं, या ज्योतिष के बारे में कुछ जानना चाह रहे हैं, तो इस टाइप के जो कम्युनिटीज हैं वो हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल हैं, और वो टीचर जो है उनको कहीं भी अपना इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, उन कम्युनिटीज का पार्ट बन सकते हैं। तो जब हम टीचर्स की और कम्युनिटीज की बात करते हैं तो उस केस में हमारे पास ये जो ग्रुप्स बनाने का है ये एक सुविधा है। हम कम्युनिटीज के हिसाब से एक हमने ज्योतिष के लिए बना दिया, एक हमने कोई दूसरा एरिया योग के लिए बना दिया कम्युनिटीज, और उन दोनों कम्युनिटीज के ग्रुप्स बना दिए और हम उन ग्रुप्स में अपनी इन्वॉल्वमेंट और अपनी एक्टिविटीज को करते रहेंगे। तो इस तरीके से जो ग्रुप का क्रिएशन है, कंसेप्ट है, ये हमारे सोशल लर्निंग नेटवर्क का पार्ट है। दूसरा जो है क्लासेस का जो कॉन्सेप्ट है, ये हमारे स्टूडेंट्स के लिए और टीचर के बीच की बात है। जब हम क्लासेस की बात करते हैं तो क्लासेस हमारी अलग अलग लेवल की हो सकती है, BA फर्स्ट ईयर की हो सकती है, BA सेकंड ईयर की हो सकती है, मास्टर्स की हो सकती है, PhD के कोर्स वर्क की हो सकती है। अब आपको पता होगा कि हमारा जो रिसर्च वर्क है वो हमारा टीचिंग उसमें इन्वॉल्व होती है, तो हम उस तरीके के क्लासेस को
क्रिएट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये अलग अलग ग्रुप्स में आपको फोल्डर्स के लिए प्रोवाइड करते हैं, फोल्डर्स आप क्रिएट करेंगे, क्लासेस क्रिएट करेंगे और उस तरीके से आप अपनी जो पठन पाठन क्रियाओं को आगे बढ़ा सकते हैं। तो उसके बाद ये कोलैबोरेटिव एक टूल है, उस कोलैबोरेशन के अंदर आप बाकी दूसरे टीचर्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, आप कोई अपना नया प्रोजेक्ट बना सकते हैं, उनके साथ शेयर कर सकते हैं, अपने विचार आप किसी खास मुद्दे पे रख सकते हैं, जो ट्रेंडिंग जो अपने कुछ ऐसी तरीके के इश्यूज होते हैं आप उनमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, अपने नॉलेज के जरिए आप उससे नॉलेज ले सकते हैं। तो एक प्रकार से ये एक आपको प्लेटफॉर्म मुहैया करवाता है जिसके जरिए आप अपने विचार और दूसरे के विचार उनको आपस में तालमेल बिठा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि मुझे लगता है फिर चला गया शायद ये। उन बच्चों ने कोई प्रोजेक्ट सबमिट किया, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अच्छी जानकारी है और आप चाहते हैं कि वो बाकी लोग भी उस प्रोजेक्ट के बारे में देखें सुने। जैसे कि मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट होते हैं वो हमारे कुछ एक रोल प्ले के या एक्ट प्ले के या केस स्टडीज के उस तरीके से कुछ डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं, केस स्टडीज तैयार करते हैं। कोई अच्छी केस स्टडी आपको लगता है कि ये बाकी लोग जाने इसके बारे में और इसको हम अलग जगह पे दूसरे स्टूडेंट्स के साथ दूसरी क्लासेस में इस्तेमाल करना चाहेंगे, तो आप उस तरीके से उन लर्निंग रिसोर्सेज को बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। उसके बाद ये एडमोडो जो सॉफ्टवेयर है इसमें आप इवैल्यूएशन के लिए या फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे है टाइम टू टाइम क्लास टेस्ट वगैरह जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि ऑनलाइन क्विजेज अवेलेबल हैं, उस तरीके के टेस्ट आप यहाँ भी ऑनलाइन क्विजेज हैं उसके अंदर आप कर सकते हैं। ऑनलाइन क्विजेज में आपको शॉर्ट टाइप आंसर्स की भी फैसिलिटी मिलती है। जो ऑनलाइन क्विजेज हैं यस या नो या मल्टीपल चॉइस जो क्वेश्चंस हैं उनको सिस्टम अपने आप से एसेस करेगा और आपको एक ग्रेड शीट बना के दे देगा। जहां तक शॉर्ट आंसर्स की या लॉन्ग आंसर्स की बात है उनके लिए आपको खुद मैनुअली एसेस करना पड़ेगा क्योंकि आपको तो आइडिया है कि जो कंप्यूटर है वो इस लेवल तक अभी नहीं पहुंच पाया है कि टीचर की तरह वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स को उस तरीके से वो एसेस कर पाए। तो वो टीचर की इंटरवेंशन के मदद से उसमें वो असेसमेंट कर सकते हैं हम और उनका रिजल्ट जो है आपको एक जगह पे ग्रेड शीट के अंदर मिल जाएगा। इसी तरीके से आप कोई दूसरी एक्टिविटी है वो उसको आप असाइन कर सकते हैं, असाइनमेंट कोई भी आप दे सकते हैं। घर पे कोई प्रोजेक्ट बनाना है उसका कोई आपने करना है, कोई प्रैक्टिकल करके कोई आपने देना है, कोई ऑडियो या वीडियो फाइल कोई क्रिएट करके आपको स्टूडेंट ने सबमिट करना है, तो वो चीजें आप असाइनमेंट के थ्रू स्टूडेंट को दे सकते हैं। और जब वो असाइनमेंट स्टूडेंट सबमिट करता है तो वो आपके पास आता है और आप उसको इवैल्यूएट करते हैं, असेस करते हैं और उसके तरीके से आप उसको मार्क्स को ग्रेड को अवार्ड कर सकते हैं। तो ये चीजें इसमें हैं। उसके बाद आप एक अपनी रिपोजिटरी ई रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें एक लाइब्रेरी की फैसिलिटी है जिसमें कि आप अपने रिसोर्सेज जब भी आपके पास टाइम है आपको पता है कि नेक्स्ट सेशन के अंदर मुझे इन इन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, मुझे इस टाइप की पीडीएफ के कंटेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि मुझे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना है, मुझे इस टाइप की वीडियो की जरूरत पड़ेगी या आप वीडियो कहीं से ढूंढ के अपने स्टूडेंट्स को आप देना चाहेंगे। तो इस तरीके की सारी चीजें जो है वो अपनी लाइब्रेरी में आप स्टैक करके रख सकते हैं, बाद में आप उसको यूज कर सकते हैं। उन लाइब्रेरी रिसोर्सेज को आप अपने स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं कि ये एडिशनल रीडिंग मटेरियल है, आप जो क्लास के अंदर सिलेबस पढ़ रहे हैं उसके साथ साथ ज्ञानवर्धक जो रिसोर्सेज हैं वो भी इसके अंदर आप मुहैया करवा सकते हैं स्टूडेंट को। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जो अपने क्विजेज वगैरह हैं या असाइनमेंट्स आप स्टूडेंट्स को देते हैं उनका असेसमेंट आप कर सकते हैं। तो जब असेसमेंट इन रिसोर्सेज का या इन टूल्स और स्ट्रेटजीज का आप करते हैं तो आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव वो एक ग्रेड शीट वहाँ पे मिल जाती है और उसमें आप सारे रिजल्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिवली अपना रख सकते हैं, उसमें आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं। और कभी कभी आपको पता है कि हमें कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव कारणों की वजह से इन रिजल्ट्स की शीट को हार्ड कॉपी में भी प्रिंट करना पड़ता है, तो ये सॉफ्टवेयर जो है आपको उसकी भी सुविधा देता है। आप उसकी सॉफ्ट कॉपी अपने सिस्टम में रख सकते हैं, उसका आप प्रिंट लेके आप उसको अपने अच्छे इस्तेमाल के लिए आप बात के लिए रख सकते हैं। उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि जो सोशल लर्निंग टूल है वो प्रोफेशनल कम्युनिटीज बनाने में आपको हेल्प करता है, आप बाकी कम्युनिटीज के साथ एक्टिवली जुड़ सकते हैं, उनके साथ पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम मूडल के अंदर अभी देखने वाले हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं मूडल को।
तो अभी हम गूगल पे जा रहे हैं और हमें ध्यान है कि हमें एडमोडो का जो है उसकी साइट पे हमें पहुंचना है और वहां से हम एडमोडो का वो अपना वो करेंगे। तो ये हम इसमें गूगल के सर्च इंजन पे हम आ गए हैं, ब्राउजर हमने खोला है, तो इसमें हम एडमोडो टाइप करेंगे, एडमोडो EDMODO, एडमोडो हमने टाइप किया, हमने क्लिक किया इसको, आप देख रहे हैं कि www.edmodo.com ये वेबसाइट हमारे पास सामने नजर आ रही है जो कि पहला है, इसको हम क्लिक करेंगे। ये वेबसाइट हमारी जो है वो खुल गई है और इस वेबसाइट पे हमें सबसे पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना है। अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम साइन अप जो आपको नजर आ रहा होगा शायद, ये साइन अप पे हम जो है इसको क्लिक करेंगे। तो ये हम साइन अप को हमने क्लिक किया। अब आप इसमें देखेंगे कि जो अकाउंट है उसमें सिलेक्शन के लिए हमारे पास तीन ऑप्शन है। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि इसमें हम टीचर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं और पेरेंट्स का अकाउंट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो इस केस में अभी हम एक बार टीचर का अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं। इन तीन ऑप्शंस में से जो सबसे पहली ऑप्शन है उसको मैं क्लिक करता हूं। हमारे पास ये स्क्रीन नेक्स्ट आ गया है। इसमें इसने हमसे पूछा है कि आपका ईमेल क्या है और आप उसके अंदर पासवर्ड जो है वो क्या है, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे तो आपका ये अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। तो इसमें बहुत ज्यादा चीजें डालने की आवश्यकता नहीं है, तो मैंने क्योंकि पहले से एक अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो मैं अपने उस अकाउंट को साइन इन करूंगा। जैसे आपका एक बार अकाउंट क्रिएट होगा तो आपको दोबारा से उस अकाउंट में जाने के लिए आपको साइन इन की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं आपको भी दिखा रहा हूँ। लॉगिन जो ये आप साइन आपके साथ में जो लॉगिन है, लॉगिन का एक आइकन है उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो उसमें ये साइट का नया पेज जो खुल गया है इसके अंदर ये मुझसे जानना चाह रहा है कि मेरा यूजर आईडी या ईमेल क्या है और उसके साथ मुझे पासवर्ड डालना है और ये मुझे वेबसाइट के ऊपर एंट्री दे देगा। तो मेरा ये ईमेल आईडी मैंने डाला हुआ है क्योंकि ऑलरेडी ऑटो सेव्ड के अंदर ये मेरा दोनों चीजें यूजर नेम और आईडी सेव्ड है, इसलिए इसने मुझे ऑटोमेटिकली ऑटो फिल करके और ये इसने मुझे दे दिया। तो मैं लॉगिन करता हूँ, लॉगिन का जो नीचे ब्लू स्ट्रिप है इसके अंदर लॉगिन है, इसको मैं क्लिक करता हूँ। तो ये मैंने इसमें लॉगिन किया। अब लॉगिन करने के बाद अब आप इसमें देखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है। यहाँ पे इसका एडमोडो करके जो सॉफ्टवेयर का नाम है, एप्लीकेशन का नाम है, ये वहां पे है। उसके साथ आप राइट हैंड साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे होम लिखा हुआ है। इस होम में ये आपका जो है इंडेक्स पेज है, फर्स्ट पेज आपका ये होम ही है, जहाँ पे अभी हम हैं वो होम पेज पे हम खड़े हुए हैं। उसे नेक्स्ट जो है वो क्लासेस के लिए है, क्लासेस का जो टैब है। जैसे ही मैंने क्लासेस के ऊपर अपना कर्सर किया है तो आप देखेंगे कि उसके नीचे तीन सब टैब आ गई हैं। ये आप देख पा रहे होंगे, देख पा रहे हैं क्लासेस के नीचे तीन सब टैब। जैसे मैं क्लासेस पे जाता हूँ नीचे तीन टैब हमारे पास ये नजर आ रहे हैं, देख पा रहे हैं आप? Yes, sir, visible है। जी राइट। तो इसमें आप देखेंगे कि क्लास मैनेजमेंट है, व्हाट्स ड्यू है और प्रोग्रेस है। तो जो क्लास मैनेजमेंट है उसमें हम क्लास क्रिएट कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को उसमें अलॉट कर सकते हैं, स्टूडेंट के छोटे छोटे ग्रुप बना सकते हैं और इस तरीके से हम क्लास की एक्टिविटीज को हम मैनेज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम अपनी जो एक्टिविटीज हैं, जो असेसमेंट की एक्टिविटीज हैं, उनको क्रिएट करके स्टूडेंट्स के साथ या क्लास के साथ एज ए ग्रुप या पूरी मेन क्लास उसके साथ हम इनको अपनी एक्टिविटीज को लिंक कर सकते हैं और स्टूडेंट्स को असाइन कर सकते हैं। उसके बाद व्हाट्स ड्यू है, ये हमारा जो प्लानर है उसका पार्ट है और इसमें आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव टेबल के ऊपर आपको ये बताएगा कि क्या क्या चीजें आपकी जो है, कौन कौन से असाइनमेंट, कौन कौन सी आपकी जो क्विजेज हैं वो ड्यू हैं और कब किस डेट को आने वाली हैं। तो वो एक नटशेल के अंदर आपको ये वो चीजें बताएगा कि क्या क्या चीजें अभी आपकी ड्यू हैं। उसके साथ साथ आगे आप देखेंगे कि प्रोग्रेस है, ये प्रोग्रेस हमारा पूरा स्टूडेंट का ग्रेड शीट है, स्टूडेंट को ये ट्रैक करता है, हम जो असाइनमेंट देते हैं उसकी जो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक ग्रेडिंग करता है या हम सब्जेक्टिवली मैनुअली उसकी ग्रेडिंग करते हैं, वो सारे मार्क्स या ग्रेड
हमारे इंडिविजुअल स्टूडेंट के प्रोफाइल पे अपडेट हो जाते हैं और उस पूरी जानकारी को, उस पूरे सिस्टम को या हमारी जो ग्रेड बुक है उसको हम यहाँ से प्रोग्रेस के थ्रू उसको एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट जो मेन टैब है उसके अंदर आप देखेंगे डिस्कवर है। अस डिस्कवर में क्या चीज है कि ये हमारा जो सोशल लर्निंग है ये उसका पार्ट है। डिस्कवर में आप जो ग्लोबल जो हमारी वेबसाइट है, जो सारी कम्युनिटीज हैं उसमें कहाँ क्या चल रहा है उसकी सारी जानकारी को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। नए नए आपको चीजें मिलेंगी, नए नए इश्यूज पे आपको डिस्कशन के थ्रेड्स मिलेंगे, नया आपको कंटेंट मिलेगा, कंटेंट किसी भी फॉर्मेट में आपको मिलेगा, जिस फॉर्मेट में आप चाहेंगे वो सारा कंटेंट आपको यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद इससे नेक्स्ट टैब जो है हमारी लाइब्रेरी की टैब है। ये जैसे मैंने आपको बताया ये आपकी लाइब्रेरी है और इसमें आप अपना जो रिसोर्सेज क्रिएट करते हैं या आपको बाहर से कहीं कोई रिसोर्स आपको अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि इसको मैं अपने लिए यूज करूंगा या स्टूडेंट्स के लिए यूज करूंगा या स्टूडेंट्स को इसके ऊपर मुझे असाइनमेंट देना है या मैं चाहता हूँ कि ये रिसोर्स स्टूडेंट जाएं और उसको पढ़ें, उसको देखें, उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे, या उस रिसोर्स के ऊपर ही आपने क्विज बनाना है, आप चाहते हैं कि एक स्टूडेंट 10-20 मिनट के वीडियो देखे और उस वीडियो के ऊपर आप जो है कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस आप उसको बना के स्टूडेंट को देना चाहते हैं, तो उस तरीके की चीजें आप पहले से तैयार करके लाइब्रेरी में रख सकते हैं। ये नेक्स्ट जो आइकॉन है मैसेजेस का है, इसमें जो स्टूडेंट हैं और टीचर्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट कर सकते हैं, मैसेजेस एक दूसरे को भेज सकते हैं। इस LMS का एक जो बहुत बढ़िया चीज वो ये है कि स्टूडेंट आपस में इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं, स्टूडेंट या तो क्लासरूम के अंदर कोई मैसेज भेज सकते हैं और या फिर डायरेक्टली वो टीचर से इंटरेक्ट कर सकते हैं, आपस में स्टूडेंट एक दूसरे के साथ डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसमें जो अच्छी बात वो ये है कि जो स्टूडेंट कोई पोस्ट करता है तो वो पोस्ट आप उसको मॉडरेट कर सकते हैं, आपके पास ये राइट है, ये फैसिलिटी है कि स्टूडेंट ने जो भेजा है आप डायरेक्टली उसको परमिट कर रहे हैं कि कोई भी स्टूडेंट कुछ भी लिखे और वेबसाइट के ऊपर आ जाए और सारे स्टूडेंट्स के साथ और टीचर के साथ वो शेयर कर दे, या आप चाहते हैं कि नहीं वो कंटेंट भी मॉडरेट होना चाहिए, कहीं कोई चीज अगर स्टूडेंट लिखता है और वो आपको नापसंद है तो वो चीज आप मॉडरेट करके और उस चीज को एलिमिनेट कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि स्टूडेंट ने जो पोस्ट भेजा है आप उसको अप्रूव करेंगे आगे पोस्ट करने के लिए आपके प्लेटफॉर्म पे या आप उसको डिक्लाइन करेंगे। अगर डिक्लाइन करते हैं तो वो पोस्ट जो है आपका LMS पे अपलोड नहीं होगा, उसको कोई लोग नहीं देख पाएंगे। इसके साथ साथ आपका जो प्रोफाइल है, आपका जो कंटेंट आपने डेवलप किया है, आपकी जो साइट है, आपका जो होम पेज है, वो आप किसको दिखाना चाह रहे हैं, पूरे हर बंदे के लिए एक्सेसिबल है, कोई भी आए वो आपका देख ले, या आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आपकी कम्युनिटी है, आप सिर्फ उनको दिखाना चाह रहे हैं, आपके कॉन्टेक्ट्स हैं उनको आप दिखाना चाह रहे हैं, तो ये इस चीज को भी आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा फेसबुक में आप जो है आपकी विजिबिलिटी कहाँ हो, सारे लोग आपको देख पाएंगे, आपके कॉन्टेक्ट आपको देख पाएंगे, या किसी के पास आप लिंक भेजेंगे वो देख पाएंगे, या आप किसी को नहीं देख पाएंगे, आप सिर्फ पर्सनल सारी चीजें रखना चाहेंगे तो आप उस तरीके से उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। तो ये मेन हमारी टूल बार है, सर्च है, और इधर से आप देखेंगे कि लेफ्ट साइड के अंदर ऊपर जो मेरा प्रोफाइल है उसके नीचे माई क्लासेस है। ये माई क्लासेस का आइकॉन जो है ये उसी का पार्ट है जो टॉप पे जो हमारी टूल बार थी जिसमें क्लासेस थी, उसके अंदर हम ये ओपन एक ग्लोबल कमांड है क्लासेस की जिसमें के हम क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, और यहाँ पे जब हम माई क्लासेस में जाते हैं तो हम अपनी क्लासेस जो क्रिएट की है उसको एक क्लिक के अंदर अपनी क्लास के अंदर पहुंच सकते हैं, तो ये हमें इस तरीके से फैसिलिटेट करता है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि मैंने FDP करके एक क्लास क्रिएट की थी पहले, तो वो FDP को मैं जैसे क्लिक करूंगा तो वो मेरे नेक्स्ट अपनी क्लास में वो चीजें पहुंच जाएंगे और वहां से मैं अपनी क्लासेस की सारी एक्टिविटीज को मैनेज कर सकता हूँ। उसके नीचे आप देखेंगे कि माई ग्रुप्स के अंदर ये जो मेरी क्लास है, अब आपको लगता है कि कई बार क्लास में तो हेटरोजेनस ग्रुप होते हैं, क्लास के अंदर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि 8-10 जो बहुत ही ब्रिलियंट होते हैं, एक्स्ट्रा ब्रिलियंट होते हैं, आप जो चीजें क्लास में डिस्कस नहीं करते हैं, जो आप बताते नहीं वो भी उनके पास उन रिसोर्सेज की नॉलेज होती है, उन टॉपिक्स पे वो डिस्कस कर सकते हैं आपसे। इसके अगेंस्ट में एक ऐसा ग्रुप भी होता है जिनको कि पुश की जरूरत होती है, आप हर बार उनके पीछे पड़े रहेंगे, आप कुछ एडिशनल रिसोर्सेज उनको देना चाहेंगे, कुछ एडिशनल एक्टिविटीज आप करने के लिए उनको देना चाहेंगे, आपको एक्स्ट्रा टाइम उन पे डिवोट करना पड़ता है ताकि वो क्लास के साथ रहें और अपनी परफॉर्मेंस को क्लास के लेवल के हिसाब से एटलीस्ट एवरेज लेवल पे वो पहुंच जाएं। तो ऐसे स्टूडेंट के आप ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो ग्रुप है उसके अंदर आप एक क्लास को सब ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्लास में अगर 40 बच्चे हैं
तो सिलेक्टिवली आप 10 बच्चों को किसी एक ग्रुप में डाल सकते हैं और जो भी आप एक्टिविटी या क्विजेस या कोई असाइनमेंट आप देना चाहें या कोई आप पोस्ट करना चाहें या कोई एडिशनल रिसोर्सेज आप उनको सर्कुलेट करना चाहें तो वो सिर्फ उन्हीं जो 10 बच्चे हैं जिनका आपने ये ग्रुप बनाया है उन्हीं को आप कर सकते हैं, उनको स्पेशल असाइनमेंट देके उनके असाइनमेंट आप अलग से चेक कर सकते हैं। तो आपको हर चीज पूरे ग्रुप में डालने की जरूरत नहीं है। आप अगर किसी स्टूडेंट को पाते हैं कि ये स्टूडेंट इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर इसने अच्छा काम नहीं किया है और इसको अभी थोड़ा सा कुछ करने की जरूरत है और इसमें मुझे ये एडिशनल रिसोर्सेज इसको देने हैं जिनको कि वो गो थ्रू करे, उनको स्टडी करे, उनको पढ़े और उसके बाद दोबारा से मेरे पास आए, उसका मुझे दोबारा टेस्ट लेना है, तो वो चीज भी आप इंडिविजुअल स्टूडेंट को असाइन कर सकते हैं। तो ये आपको इंडिविजुअल लेवल पे, सब ग्रुप लेवल पे, क्लास लेवल पे और देन कम्युनिटी लेवल पे आपको ये LMS चीजें पोस्ट करने के लिए फैसिलिटेट करता है। तो उसके बाद नीचे जब हम देख रहे हैं तो ये आप देखेंगे कि हैशटैग, ये आप इसको देखेंगे कि ये हैशटैग आपका ये यहाँ पे आ गया है। हैशटैग में क्या है कि आप जो है कुछ कम्युनिटीज जो हैं उनके ऑटोमेटिकली उन्होंने हैशटैग दे दिए हैं जो मेरे इंटरेस्ट एरियाज हैं, जो मैंने अकाउंट क्रिएट किया उस टाइम पे जो मेरे इंटरेस्ट एरियाज थे उनके बेसिस पे इसने मुझे 2-3 हैशटैग दे दिए हैं कि शायद ये कम्युनिटीज मेरे इंटरेस्ट की होंगी, तो मैं इनको हैशटैग को क्लिक करके और मैं इनका पार्ट बन सकता हूँ। उसके बाद जो ग्लोबल लेवल पे कुछ एक पॉपुलर हैशटैग हैं, जो ट्रेंडिंग हैशटैग हैं, वो आप यहाँ पे इसमें देख पाएंगे। तो इन किसी भी हैशटैग को आप क्लिक करके और उसमें एडिशनल नॉलेज, एडिशनल जानकारी आप यहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो अब हम एक एक करके और हम स्टार्ट करते हैं। ये होम जो था इस पे अभी हम हैं और इसमें जो 2 पार्ट मैंने जैसे बताए थे, एक तो जो स्टूडेंट और टीचर के बीच की जो बात है जो हमारा LMS है और दूसरा जो है सोशल नेटवर्किंग का है। तो हम पहले LMS के साथ काम करेंगे, सोशल नेटवर्क पे हम बाद में आएंगे और जो हमारा जो दूसरा आवर है, दूसरा जो घंटा है उसमें इसको कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम अपना LMS की जो एक्टिविटीज है वो स्टार्ट करेंगे, तो इसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा और दूसरे आवर में से भी हम कुछ टाइम अपना इसमें LMS को जानने में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब हम आते हैं क्लास के ऊपर। क्लास में जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये मैंने क्लास को क्लिक किया और क्लास को क्लिक करने के बाद एक नया डैशबोर्ड मेरे पास खुला, नया एक पेज खुला। तो इसमें आप देखेंगे कि जो एक मैंने अपनी FDP की क्लास क्रिएट की थी वो मुझे नजर आ रही है और उससे आगे जो है वो मैं एक आइकन देख रहा हूं जो कि क्रिएट न्यू क्लास, ये आइकन जो है क्रिएट न्यू क्लास के लिए है और इसको मैं क्लिक करूंगा तो मेरी एक नई क्लास जो है वो मैं इसमें एड कर पाऊंगा। अब आप देखेंगे कि ये नया एक स्क्रीन खुला, जैसे मैंने क्रिएट क्लास को क्लिक किया तो इसमें क्रिएट क्लास के नीचे आप जो देखेंगे तो बाय डिफॉल्ट आपको ये गाइड कर रहा है और इसमें लिखा है कि नेम योर क्लास। तो हमें कौन सी क्लास क्रिएट करनी है, अब आप BA की, MA की, PhD की, कोई भी इस तरीके की आप क्लास का नाम दे सकते हैं। इसमें अगर सोच कीजिए कि हमने FDP नाम दे दिया, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, क्योंकि FDP मैंने पहले क्रिएट किया है तो इसके अंदर मैं पूरा नाम इसका फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम दे देता हूँ। ये फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम का मैंने टाइटल इस क्लास को दे दिया है और इसकी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हैं कि भाई ये फैकल्टी डेवलपमेंट किस चीज के लिए है, क्या इसका पर्पज है, थोड़ा सा आप जानकारी दे सकते हैं। इसमें मैं डालता हूँ इस FDP इज फॉर द टीचर्स टू लर्न द ICT एंड बी यूज्ड इन क्लासरूम। ये मैंने इसका जो है डिस्क्रिप्शन दे दिया। अब नेक्स्ट इसके आज जो हम नीचे आते हैं तो ये हमारे पास सिलेक्ट ग्रेड, ग्रेड की हम बात करते हैं इसमें। तो ये आप देखेंगे कि किंडरगार्डन, प्री किंडरगार्डन से लेके और ये आपको हायर एजुकेशन और अडल्ट एजुकेशन तक ये चीजें ये आइकन प्रोवाइड करता है। तो इस केस में हम हायर एजुकेशन पे सिलेक्ट कर लेते हैं, हमने हायर एजुकेशन सिलेक्ट किया तो हायर एजुकेशन के नीचे ये सब्जेक्ट की बात करता है, कौन सा सब्जेक्ट हायर एजुकेशन में। तो जब हम इसको क्लिक करते हैं तो इसके प्री डिफाइंड कुछ है कि इसने डाले हुए हैं, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी डाला है, आर्ट्स का है, फिजिकल एजुकेशन है, लैंग्वेजेस, मैथमेटिक्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, तो कुछ सिलेक्टेड है, हमें इसी में से सिलेक्ट करना है क्योंकि यहाँ पे हम नया जो है वो चीज क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं इसके अंदर। तो इसलिए मैं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है इसको मैंने सिलेक्ट किया।
अब ये हमारा फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आया, इसके नीचे हम सब टॉपिक भी इसके अंदर हम डाल सकते हैं। जैसे नीचे एडमोडो ट्रेनिंग है, तो हमने ये सब टॉपिक्स का डाल दिया है। अब उसमें आप ये क्या कर सकते हैं, जैसे हायर एजुकेशन मैंने डाला, तो हायर एजुकेशन नीचे आप ये डेवलपमेंट प्रोग्राम डाला, इसके नीचे जो है ये ट्रेनिंग का आप डाल सकते हैं। आप कोई और चीज ऊपर, जैसे आपने रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए वो डाला है रिसर्च मेथोडोलॉजी का, अगर कोई आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो वो ऊपर वहां पे रिसर्च मेथोडोलॉजी डाल देंगे आप इस तरीके से। तो ये सिर्फ अपने इसने कंटेंट को कैटेगराइजेशन करने के लिए एक लिमिटेड वे में इसने कोशिश किया है कि इस किस तरीके से कंटेंट को कैटेगराइज किया जा सकता है, पर हो सकता है कि हमें पूरी तरीके से ये हेल्प ना करे, हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी सी दूसरी हो, लेकिन ये इसके एप्लीकेशन के एक लिमिटेशन है कि जो अवेलेबल है हमें उसी में से सिलेक्ट करना है। तो ये अब ऑटोमोटो ट्रेनिंग का मैंने सिलेक्ट किया और इसमें हम एक ये क्लास क्रिएट कर सकते हैं। इसमें जो कलर है बाय डिफॉल्ट कलर, इसने ये कलर दिया है और इसका आप कलर कोई भी चेंज कर सकते हैं। सोच कीजिए कि मैंने ये कलर चेंज कर लिया और अब मैं क्लास क्रिएट करने के लिए तैयार हूँ। ये जो डार्क कलर का ब्लू कलर का आइकॉन है, इसको क्रिएट करने के लिए मैंने प्रेस किया और आप देखेंगे कि मेरी क्लास क्रिएट होने से पहले एक नया स्क्रीन खुला और नए स्क्रीन में ये है, इसमें जो मैसेज इसका, वेलकम टू फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम व्हाट्स नेक्स्ट। अब इसमें दो आइकन हमारे पास हैं, एक तो ऐड स्टूडेंट है और उसके बाद है एक्सप्लोर, एक्सप्लोर क्लास के लिए है। तो हम यहाँ पे एक्सप्लोर क्लास तो सेकेंडरी चीज हुई, हम पहले सबसे पहले स्टूडेंट को एडमिट करेंगे इसमें, हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको हम इसमें एडमिट करेंगे। तो मैं ऐड स्टूडेंट के आइकन को क्लिक करता हूँ और जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास एक नया स्क्रीन खुलता है। अब नए स्क्रीन में आप देखेंगे कि स्टार्टिंग से जब हम देखते हैं फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर, यहाँ पे लिखा है इनवाइट स्टूडेंट्स एंड अदर टीचर्स। तो यहाँ पे क्या है कि अपनी क्लास के लिए आप स्टूडेंट्स को इन्वाइट कर सकते हैं और अपनी क्लास के लिए आप को टीचर को इन्वाइट कर सकते हैं। आप इस क्लास को एक से ज्यादा टीचर पढ़ाना चाहते हैं, एक कोलाबोरेटिव मोड में आप पढ़ाना चाह रहे हैं, तो आप इसी तरीके से वो टीचर को भी आप इसमें इनवाइट कर सकते हैं और एक्सेस इस क्लास की आप दे सकते हैं। इसमें हमें जो इनवाइट करना है, तो यहाँ से जब इनवाइट करेंगे तो हम आगे देखेंगे कि क्या होगा, किस तरीके से हम इनवाइट कर सकते हैं। इसके साथ साथ नीचे एक टेबल अगर आप देखेंगे तो ये जो टेबल है क्रिएट स्टूडेंट अकाउंट्स अहेड ऑफ टाइम, ये जो आपको फैसिलिटेट करता है कि आप अपने लेवल पे, आपके पास ऑलरेडी स्टूडेंट्स के नाम है और आपके पास उनके ईमेल आईडीज वगैरह हैं या नहीं है तब भी कोई बात नहीं है, आपके पास स्टूडेंट्स के नाम है तो आप बिफोर हैंड स्टूडेंट्स के नाम के साथ उनके अकाउंट इस एडमोडो एलएमएस पे क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनके जो अकाउंट्स के डिटेल्स हैं, किस तरीके से लॉगिन करना है उनको, वो सारी चीजें आप भेज सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इन्वाइट करने वाले आइकन पे क्लिक करता हूँ और जब हम इन्वाइट करने वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास एक नया स्क्रीन खुलता है और इसमें टॉप में है इनवाइट पीपल टू फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो इसमें जो तीन चीजें हैं, सबसे पहला आइकॉन जो है शेयर क्लास कोड, इसमें एक क्लास कोड जो है आप देख रहे हैं नीचे, ये जो क्रॉस कोड है हमारा, ये आप स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सकते हैं और ये क्लास कोड आप किसी भी तरीके से शेयर करिए, व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए, उनको ईमेल आईडी से शेयर कर लीजिए, आप टेलीफोन पे बता दीजिए कि आपको एडमोडो पे जाके और ये क्लास कोड आपको डालना है, तो उसके बेसिस पे आप हमारे क्लास में एंट्री कर सकते हैं। उसके साथ साथ जो है आप शेयर एंड पीडीएफ, इसमें आपको ये पूरी इंस्ट्रक्शन के साथ एक पीडीएफ बनाएगा, आपने जो स्टूडेंट्स के लिए दिया है तो उसमें किस तरीके से एडमोडो को आपने ओपन करना है, किस तरीके से आपने अकाउंट क्रिएट करना है, किस तरीके से आपने लॉगिन बनाना है, लॉगिन आईडी बनानी है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे इंस्ट्रक्शन के साथ देगा। उसके बाद है ईमेल के थ्रू आप इन्वाइट कर सकते हैं, ईमेल आप यहाँ पे डालेंगे और उसमें जब आप ईमेल सेंड करेंगे तो उसमें बाय डिफॉल्ट ये सारी डिटेल्स, कहाँ पे जाना है, ईमेल आईडी क्या है आपकी, आपका गूगल अकाउंट क्या है, इस तरीके से आपको सेटअप करना है अपना अकाउंट, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पे इसमें दे देगा। तो अब ये यहाँ पे हम आते हैं, ये जो अकाउंट का ये है, ये जैसे मैंने हाईलाइट किया, ये हमारा इस क्लास का कोड है। जब भी कोई इस क्लास के अंदर एंट्री करना चाहेगा तो ये कोड प्रीरिक्विजिट है, जैसे ही आप एडमोडो में जाएंगे, साइन इन करेंगे और ये क्लास कोड डालेंगे, ऑटोमेटिकली आप इस क्लास में एंट्री कर लेंगे। तो ये हमारा एक कोड हुआ, इस कोड को हम नोट करके रख सकते हैं, अगर हमें स्टूडेंट को बाद में देना है हम इसको कॉपी कर सकते हैं और कहीं ईमेल में, जैसे मैंने आपको बताया, तो भेज सकते हैं। तो इस क्लास का मैं फॉर द टाइम बीइंग अपने पास एक कोड एंटर इसको जो नोट करके मैं रख लेता हूं, SJIVFR।
ये मेरा क्लास कोड है, अगर मुझे किसी को देना है तो ये मैं इसको दे सकता हूँ। अब इसके साथ कोड के ऊपर जो आप देख रहे हैं अनलॉक कोड या लॉक कोड, अब इसमें क्लास के अंदर जो एंट्री है, आप कब तक एंट्री देंगे, स्टूडेंट्स कब तक आपकी एंट्री ले सकते हैं, आप यहाँ पे कोड को लॉक कर सकते हैं, अनलॉक कर सकते हैं। जब आप अनलॉक है तो स्टूडेंट आपके क्लास में एंट्री कर पाएंगे और अपनी आईडी वगैरह क्रिएट कर लेंगे, और जब आप उसको लॉक करेंगे तो स्टूडेंट की एंट्री बंद हो जाएगी। तो ये यहाँ पे इस तरीके से हम जो है स्टूडेंट को हम बोलते हैं कि आप अपनी लॉगिन आईडी और एडमोडो पे क्रिएट करिए, क्योंकि अगर आपके पास 100 बच्चे हैं तो आपके लिए बड़ा हैक्टिक होगा कि उनकी सबकी आईडी आप उसको कन्वे करें और सबको एक एक करके मेल में आप भेजें। तो उस तरीके से आप ये यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि स्टूडेंट अपने आप आईडी क्रिएट कर लें। इसके साथ में अगर आप देखेंगे तो मैंने कैंसिल किया, कैंसिल करने के बाद हमारा जो पुराना स्क्रीन था उस पुराने स्क्रीन पे हमारा, तो इसमें जो डेटा है इसको हम, अगर हमारे पास कोई एक्सेल की शीट है, एक्सेल की शीट में हमने कुछ डेटा स्टूडेंट का डाला है, तो शायद वो एक्सेल शीट आपको अभी नजर नहीं आएगी, मैं उसमें 2-3 एंट्रीज कर लेता हूँ और उसके बाद वहां से कॉपी पेस्ट करके मैं लेके आऊंगा। मैंने एक नाम लिखा है नरेश कुमार, ये स्टूडेंट की आईडी मैं क्रिएट करने वाला हूं, तो इसके अंदर नरेश एक कॉलम में मैंने डाल दिया फर्स्ट नेम और कुमार मैंने सेकंड नेम डाल दिया। मेरे पास ईमेल आईडी नहीं है तो इसलिए मैंने ईमेल आईडी छोड़ दिया। दूसरा मैंने जो है एक और दूसरा है नाम मैं डाल रहा हूं मोहन, दूसरा ओम कुमार। तो ये मैंने दो जो मेरे अपनी एक्सेल शीट है उसमें दो लोगों की जानकारी मैंने डाल दी, इसको मैं कॉपी करके और अपने यहाँ पे लेके आ रहा हूँ एडमोडो वाले उस पे। तो मैं वहां से अपने एक्सेल शीट में मैंने जो दो नाम डाले थे फर्स्ट नाम और लास्ट नेम, वो मैं दोनों कॉपी करके और यहाँ मैं लेके आ रहा हूँ, तो इसमें मुझे वो कॉपी और पेस्ट करना है। आप देख पाएंगे कि दो नाम जो मैंने डाले यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया वो दोनों आ गए हैं, नरेश कुमार और मोहन कुमार। अब मेरे पास फिलहाल दो स्टूडेंट्स ही हैं, तो ये नीचे आप देखेंगे बॉटम में लेफ्ट पे क्रिएट स्टूडेंट्स अकाउंट्स, या स्टूडेंट्स के अकाउंट्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ये आपने क्लिक किया इसको और यहाँ पे ये स्टूडेंट के अकाउंट्स अभी क्रिएट करने जा रहा है। अब इसमें मुझे बता रहा है यू हैव एडिट टू स्टूडेंट्स, और उसमें जो है अब नीचे यू हैव क्रिएटेड न्यू एडमोडो अकाउंट फॉर टू स्टूडेंट्स, डाउनलोड अ प्रिंटेबल हैंडआउट विद देयर इंडिविजुअल लॉगिन इन्फॉर्मेशन बिलो। अब ये आइकन मुझे डाउनलोड एंड कंटिन्यू या कंटिन्यू विदाउट डाउनलोडिंग, तो मैं डाउनलोड एंड कंटिन्यू करता हूं इसको, तो ये मैंने इसको डाउनलोड किया। डाउनलोड करने के बाद आप देखेंगे कि इसमें जो अकाउंट की डिटेल्स सारी चाहिए वो सारी डिटेल्स इसमें अवेलेबल हैं। अब उस फाइल को हम थोड़ा सा बाद में खोलेंगे, अभी हमारे पास जो नया स्क्रीन आ गया इस स्क्रीन को हम देखते हैं, ये पेरेंट्स को कनेक्ट करने के लिए है। अब कनेक्ट पेरेंट पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये नया है, ये नरेश कुमार है, नरेश कुमार के पेरेंट्स के साथ अगर हमारे पास ईमेल आईडी है तो हम उसमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जो मैं बात कर रहा था कि पेरेंट्स के साथ हम कनेक्ट कर सकते हैं, तो ये नरेश कुमार के पेरेंट की अगर ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर इन दोनों में से भी कोई भी मेरे पास अगर है तो मैं यहाँ पे डाल के और उनके पेरेंट्स को मैं इन्वाइट कर सकता हूँ, और जैसे वो इन्विटेशन को एक्सेप्ट करेंगे हम आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, और इस मूडल की जो क्रियाएं हैं, जो उनके स्टूडेंट की जो सारी क्रियाएं हैं, गतिविधियां हैं, उन्होंने क्या असाइनमेंट लिया है, असाइनमेंट का उनका शेड्यूल क्या है, कब उनको असाइनमेंट देना है, उसका डेडलाइन क्या है, असाइनमेंट इवेल हुआ तो उसके मार्क्स कितने हैं, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस क्या है, तो वो सारी डिटेल जो है वो टाइम टू टाइम ईमेल के थ्रू या मोबाइल के थ्रू वो पेरेंट्स को मिलती रहेंगी। तो अभी इसको हम फिलहाल क्लोज करते हैं, और क्लोज करने के बाद जो हमने एक डाउनलोड की थी जानकारी, जो हमारे स्टूडेंट्स की लॉगिन आईडी, जो दो लॉगिन आईडी हमने क्रिएट किया वो स्टूडेंट्स की जो जानकारी थी, क्योंकि वो हमें स्टूडेंट को भेजना होगा, तो उसकी जानकारी हमने पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड किया था। अब आप देखेंगे कि दो स्टूडेंट जो हमने क्रिएट किए, पहला स्टूडेंट जो है नरेश कुमार, उसमें नीचे जो टीचर है उसका नाम है, किस टीचर की क्लास है, और उसके बाद उसने यूजर आईडी और पासवर्ड ये दोनों क्रिएट करके दे दिया। अब इस केस में क्या है कि जब आप स्टूडेंट को ये देंगे तो स्टूडेंट के पास पहले से लॉगिन आईडी है, उसके पास पहले से पासवर्ड है, और उसके पास साथ में जैसे एंट्री करेगा वो डायरेक्टली आपके उस पर आ जाएगा। तो अब ये एंट्री कर, क्योंकि इस पासवर्ड के साथ
ये जो पूरी चीजें कनेक्टेड है वो उस क्लास के साथ ही कनेक्टेड है, तो इस केस में आपको वो जो कोड है क्लास कोड वो डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक यूनिक उसने आईडी क्रिएट करके स्टूडेंट के लिए दे दिया। अब आप इसी तरीके से देखेंगे कि दूसरा स्टूडेंट जो है उसका भी इसी तरीके से मोहन कुमार का एम कुमार, और ये उसने यूनिक यूजर आईडी क्रिएट करी है इस क्लास के लिए और साथ में पासवर्ड है। तो ये दोनों चीजें हम स्टूडेंट को कन्वे करेंगे और उस तरीके से स्टूडेंट जो है ऑलरेडी लॉगिन आईडी क्रिएटेड है, पासवर्ड क्रिएटेड है, अकाउंट उसका क्रिएटेड है एडमोडो पे, वो सिर्फ लॉगिन करेगा और हमारी क्लास में एंट्री कर लेगा। तो यहाँ पे अब जैसे हम देखेंगे कि हमारे दो स्टूडेंट इसमें आ गए हैं। स्टूडेंट आने के बाद एक बार जब हम क्लास पे जाएंगे तो हम देख क्लास पे मैंने क्लिक किया, अब आप देखेंगे कि ये क्लास मेरी जो है यहाँ पे आ गई है। जब इस क्लास को मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास क्लास का पूरा होम पेज आ गया है। इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, इस क्लास को पूरी तरह से मैनेज कर सकता हूँ, और साथ साथ में इस क्लास को अगर मुझे कोई पोस्ट करना है तो आप देख रहे हैं स्टार्ट ए डिस्कशन एंड शेयर क्लास मटेरियल, तो मैं यहां से क्लास मटेरियल कोई भी पोस्ट शेयर कर सकता हूं, कोई लिंक मैं शेयर कर सकता हूं। तो यहां पे इस तरीके से मैं इस चीज को पोस्ट कर सकता हूं। अब इसको अगर आप देखेंगे कि जो क्लास का कोड आप यहां भी देख पा रहे हैं, और इसके राइट हैंड साइड पे जब आप देखते हैं तो एड क्लास इमेज, तो क्लास के लिए आप कोई भी इमेज कहीं से जो है वो आप लाके इसमें फॉर्मेट में जहां भी आप देखना चाहें वहां से आप इसको डाल सकते हैं, जो आपके उसमें है तो आप डाल दीजिए, नहीं तो आप इंटरनेट से करके वो भी आप डाल सकते हैं। तो शायद ये इमेज जो है वो इसमें आ जाना चाहिए, इसको शायद ये इमेज प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है इसलिए ये इमेज इसने अपलोड नहीं किया, तो आपके पास कोई दूसरी इमेज है तो आप इसको अपलोड कर सकते हैं। इसके साथ जब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो तीन डॉट्स हैं, आप साइड में जो व्हाइट प्लस का साइन है ब्लू डॉट के अंदर, यहाँ पे तीन आपको छोटे छोटे डॉट्स नजर आ रहे हैं, ये हमारा इस क्लास की कुछ सेटिंग्स के लिए है। जब आप इसमें देखेंगे तो स्क्रीन के ऊपर आप देख पाएंगे कि ऊपर जो ज्वाइन करने के लिए यूआरएल है, सीधा ये डालेंगे तो आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे और अपना लॉगिन करेंगे तो क्लास में पहुंच जाएंगे। उसके बाद जो नीचे आप देखेंगे चेंज क्लास इमेज, जो आपने क्लास का आइकन जो डाला है ऊपर इमेज, आप उसको चेंज कर सकते हैं, इमेज को आप रिमूव कर सकते हैं, क्लास का आप कलर चेंज कर सकते हैं, अगर आप इसमें से जैसे आपने ये कलर दिया था तो कलर आप चेंज कर सकते हैं, इसको सेव कर देंगे आप। ये क्लास का साइड में जो एक चेंज कलर आपका पिंक कलर का जो भी है नजर आ रहा है इसमें ये कर सकते हैं, और जो इम्पोर्टेंट चीज है उसमें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जो एडवांस सेटिंग्स हैं, एडवांस सेटिंग्स में बहुत बढ़िया हैं, जो कि टीचर को कुछ कंट्रोल देती हैं कि क्लास किस तरीके से कंडक्ट हो, वो कंट्रोल टीचर को यहाँ एडवांस क्लास से मिलता है। जैसे मैं एडवांस क्लास में जाता हूँ, ये मेरे पास एक नया स्क्रीन खुला, आप इसमें देखेंगे एडवांस सेटिंग, सेटिंग के नीचे टाइटल जो हमारी क्लास का टाइटल है हमारा वो है, बाकी जो डिटेल्स थी क्लास की प्रोफेशनल क्लास है और एडमारो ट्रेनिंग है, ये सारी चीजें हैं। अब इसमें आप यहां देखेंगे दिस विल बी प्राइमरी यूज बाय किसके लिए, जब आप हम ग्रुप क्रिएट करते हैं तो वो ये टीचर के ऊपर बाय डिफॉल्ट ये करेगा और टीचर का ग्रुप क्रिएट करेगा। जैसे मैंने आपको बताया था दो चीजें हैं, जब हम ग्रुप की बात करते हैं तो वो हमारे टीचर्स के लिए होगा, टीचर कम्युनिटी में अपना टीचर ग्रुप बना सकते हैं, बाकी टीचर्स को उस ग्रुप के अंदर एड कर सकते हैं, आपस में ग्रुप में टीचर्स जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, उसमें वो आपके कलीग भी हो सकते हैं अपनी कम्युनिटी के अंदर, आप बाहर के टीचर्स को भी उसके अंदर इन्वॉल्व कर सकते हैं और इनवाइट कर सकते हैं। तो ये जब टीचर्स की बात करेंगे तो टीचर्स के लिए ग्रुप होगा, ये ग्रुप क्रिएट करेगा। अभी हम क्योंकि क्लासरूम में हैं और क्लास को हम सेट कर रहे हैं, क्लास की कन्फिग्रेशन हम अपने तरीके से कर रहे हैं उसके अंदर, तो ये यहाँ पे स्टूडेंट पे बाय डिफॉल्ट है, क्योंकि हम क्लास के अंदर से गए और इस पेज पे जब हम आए तो बाय डिफॉल्ट इसको पता है कि हमने क्लास क्रिएट की है और हम क्लास को कन्फिगर करने वाले हैं, तो इसने स्टूडेंट पे बाय डिफॉल्ट चेक किया हुआ है और साथ में क्लास है, स्टूडेंट की क्लास है। उसमें आप नेक्स्ट में देखेंगे कि डिफॉल्ट ऑल न्यू मेंबर्स टू रीड ओनली। अब यहाँ पे आप जो है इस क्लास में अगर जो नए लोग हैं, जो लेट कमर्स हैं, उनको आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि आप सिर्फ व्यू कर पाएंगे, आप हमारे किसी भी रिसोर्स के साथ जो हम पोस्ट करेंगे आप उसमें देख भी नहीं पाएंगे और उसके साथ इंटरेक्ट भी नहीं कर पाएंगे। जब कोई असाइनमेंट आपको दी जाएगी, क्विज आपको दी जाएगी, तो आप उसको सबमिट नहीं कर पाएंगे, आप सिर्फ आपको व्यूइंग फैसिलिटी आपको मिलेगी और वो आप सिर्फ देखते रहेंगे उसको। तो ये आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट कर सकते हैं, जो नए लोग जो आएंगे उनको आप एंट्री एक्सेप्ट
रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये नेक्स्ट है, अब आप देखेंगे कि हाइड माय पोस्ट फ्रॉम पेरेंट्स। अब सारी चीजें आप पेरेंट्स को नहीं दिखाना चाहेंगे, पेरेंट्स को आप चाहेंगे कि टाइम टू टाइम थोड़ा सा इंटरवेंशन रहे, नहीं तो बच्चे काफी परेशान हो जाते हैं। तो इसलिए टीचर जो है स्टूडेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा, जो भी पोस्ट डालेगा स्टूडेंट के पास पहुंचेंगी, बट हर पोस्ट की कॉपी टीचर के पास सॉरी पेरेंट्स के पास नहीं पहुंचेंगे। तो इसमें आप जो है इसको क्लिक करके हाइड माय पोस्ट फ्रॉम पेरेंट्स, जो भी पोस्ट करेंगे पेरेंट्स से आप उसको हाइड करेंगे, वो चीजें पेरेंट्स उसको नहीं देख पाएंगे। एक जो मैं जिस चीज को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानता हूँ आज के दौर में स्टूडेंट के अंदर, उनके स्टूडेंट के बिहेवियर को भी कंट्रोल करना है हमें सारी चीजों को देखते हुए, तो यहाँ पे जो आइकॉन है मॉडरेट ऑल पोस्ट एंड रिप्लाइज, आप देख पा रहे हैं? हाँ यस सर, दिख रहा है। राइट, तो इसको हम क्लिक करेंगे तो इसमें क्या होगा, स्टूडेंट की तरफ से जो भी पोस्ट है, जो भी किसी पोस्ट का रिप्लाई है, अब आप एक पब्लिक पोस्ट आपने किया, सारे क्लासरूम के स्टूडेंट्स को वो विजिबल है, कोई स्टूडेंट उस पर रिएक्ट करना चाहता है तो वो रिएक्ट करेगा, बट उससे पहले पोस्ट नहीं होगा जब तक कि आप उसको अप्रूव नहीं करेंगे उस पोस्टिंग को, या कोई डायरेक्ट मैसेज थ्रेड स्टूडेंट कोई डिस्कशन के लिए छोड़ता है, अब आपने कोई एक टॉपिक उनको याद करने के लिए दिया, कोई टेस्ट था तो स्टूडेंट उसको बोलना चाह रहा है कि सर मैं जो है इस टॉपिक को कर नहीं पा रहा हूं और मुझे कुछ आप प्लीज थोड़े से कोई दूसरे रिसोर्सेज प्रिस्क्राइब कर दीजिए जिससे कि मैं उन रिसोर्स को देखूं और अपनी तैयारी करके मैं एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूं, क्विज के लिए प्रिपेयर करूं। तो ये मैसेज जब टीचर को देगा वो, तो वो ओपन प्लेटफॉर्म पे उसको पब्लिश करेगा, तो ये मैसेज सारे लोगों को दिखाई देगा क्योंकि उसने क्लास में पोस्ट किया है, बट इसके साथ साथ वो आपके कंट्रोल में रहेगा कि ये मैसेज आप क्लास को दिखाना चाह रहे हैं या नहीं दिखाना चाह रहे हैं। तो उसमें आप उस चीज को मॉडरेट करेंगे, जब आप अप्रूव करेंगे तो वो कंटेंट आपका क्लास के अंदर पब्लिश हो जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने टीचर्स की कोई भी पोस्ट को मॉडरेट करें और उसके बाद क्लासरूम के अंदर उसको पब्लिश करें, पोस्ट करें। तो ये आप नीचे देख पा रहे हैं, इसके नीचे बॉटम के अंदर जो व्हाइट विंडो है, इसके नीचे बॉटम के अंदर आप देख रहे हैं कॉपी क्लास, एक क्लास को आपको कॉपी करना है, आप नए टॉपिक बनाने हैं, जो कंटेंट कॉपी किया आपने उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करके आप नई क्लास आपको करनी है, फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम की आपने एक क्लास खोली, उसमें आप एडमोडो ट्रेनिंग के बजाय ऑल करना चाह रहे हैं या कोई और चीज के लिए आप यूज करना चाह रहे हैं, तो पैरेलल आप इसकी क्लास की पूरी की कॉपी आप कर सकते हैं, जिसमें के स्टूडेंट है वो भी आपके पूरी की पूरी क्लास सारी एज इट इज कॉपी हो जाएगी और उसको नए टॉपिक के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। क्लास अभी आपकी कंप्लीट हो गई है, आप उसको क्लास को आर्काइव करना चाह रहे हैं तो आप उसको आर्काइव कर सकते हैं, क्लास को आप डिलीट करना चाह रहे हैं डिलीट भी कर सकते हैं। तो फॉर द टाइम बीइंग जो हमने सेटिंग्स इसमें डाली हैं और जो हमने क्लास को कॉन्फ़िगर किया है किस किस तरीके से हम क्लास को कैरी करना चाह रहे हैं, कैसे कैसे हम उसको मॉडरेट करेंगे, किस तरीके से क्लास को मैनेज करेंगे, वो सारी चीजें आपके यहाँ पे हमने करी हैं और उसके बाद हम इसकी सेटिंग्स को सेव करेंगे। मैं सेव सेटिंग्स को क्लिक कर रहा हूँ तो ये हमारी जो सेटिंग्स हैं वो सारी सेव हो गई हैं। अब आप हम देखेंगे कि जो राइट में वाइट सर्कल है, इस सर्कल को मैंने क्रिएट किया। अब ये जो नीचे चार आइकन है, इसमें सबसे पहले आइकन आप देखेंगे कि क्रिएट असाइनमेंट, तो ये हमने क्या किया, हमने पहले क्लास में एंट्री करी, क्लास में एंट्री करने के बाद अब हम क्लास में बच्चों की एंट्री को, स्टूडेंट्स जो काम कर रहे हैं उसको, वो पोस्ट करेंगे उसको, वो सारी चीजों को हम मैनेज कर रहे हैं, और अब इस क्लास को जब हम कोई नए रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे, उनको असाइन करना है कोई काम, हमें कोई असाइनमेंट देना है या कोई एक नई हमने क्विज बनाई उस क्विज को असाइन करना है, तो हम यहाँ से इस जो ब्लू डॉट बड़ा वाला सर्कल है इसमें जो व्हाइट जमा का निशान है, प्लस का निशान जो है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास पहला आइकन जो है वो क्रिएट असाइनमेंट। अगर आपको असाइनमेंट क्रिएट करना है, नया असाइनमेंट बनाना है, तो आप इस लिंक को क्रिएट करेंगे और आप असाइनमेंट को नए तरीके से क्रिएट करके, और आप उसमें दोनों चीजें कर सकते हैं, लाइब्रेरी में भी रख सकते हैं और देन एंड देयर ओनली आप स्टूडेंट को असाइन भी कर सकते हैं, किस क्लास को असाइन करना है वो आप उसको डिसाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आइकन है नीचे, उसमें आप देखेंगे कि लोड एग्जिस्टिंग असाइनमेंट, आपके पास पहले से एक असाइनमेंट है, पिछले सेशन में आपने वो असाइनमेंट इस क्लास को दिया था या पिछले फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो आपने कंडक्ट किया उसमें एक आपने क्विज बनाया था, जिस क्विज को आप दोबारा से देना चाह रहे हैं नए फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम के पार्टिसिपेंट्स के लिए, क्योंकि वो इस नए सेट के अंदर भी रेलिवेंट है, तो वो आप उसको पुराने वाले जो आपकी लाइब्रेरी में कंटेंट है, आपकी लाइब्रेरी में जो असाइनमेंट रखा है उसको आप दोबारा से
इसको असाइनमेंट आप कर सकते हैं, इसको लोड कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे कि क्रिएट क्विज, यहाँ पे क्विज में और असाइनमेंट में क्या फर्क है। असाइनमेंट आपको एक कंप्लीट पैकेज है जो कि काफी ज्यादा मार्क्स का जैसे होता है, घर से आपने एक असाइनमेंट दिया कोई पूरी एक एक्टिविटी करके देनी, कोई पूरा एक प्रैक्टिकल करके देना है, पूरा एक कोई आपको कोई गैजेट बना के देना है, कोई एक डिवाइस टूल कुछ आपको कोई प्रोडक्ट बना के देना है, वो एक पूरी असाइनमेंट हुई। कोई फील्ड वर्क आपको देना है तो फील्ड वर्क एक पूरी असाइनमेंट हुई जो कि 15 20 25 30 मार्क्स का जो होगा वो एक असाइनमेंट होगा। उस असाइनमेंट के अंदर छोटी छोटी सब एक्टिविटीज होंगी, जो असाइनमेंट है आपको एसेस करना है छोटी छोटी एक्टिविटीज के बेसिस पे। आपके पास पहले से वो जो है मार्किंग स्कीम है कि किस एक्टिविटी पे आपको बच्चों को एसेस करना है और उस एक्टिविटी को आप किस तरीके से मार्किंग करना है, तो सारी चीजें आपके पास पहले से हैं, तो उस टाइप की चीजों को आप जो है असाइनमेंट में डालेंगे। जो मल्टी च्वाइस क्वेश्चन हैं या शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन हैं उस तरह की चीजें जो है वो क्विज में आती हैं। और क्विज की अच्छी चीज ये है कि जब आप क्विज को आप मार्किंग के साथ जोड़ते हैं, आप उनकी ग्रेडिंग असाइन कर देते हैं, तो क्विज सिस्टम ऑटोमेटिकली उनको असाइन करके आपकी ग्रेड शीट में स्टूडेंट प्रोफाइल के साथ उसको कनेक्ट कर देता है। तो क्विज भी इसी तरीके से है, आप क्विज नहीं क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से किसी पिछले सेशन की क्विज है या आपने पहले से लाइब्रेरी में क्विज क्रिएट करके रखा हुआ है, आप उसको अभी असाइन करना चाहते हैं, तो आप उसको एग्जिस्टिंग जो क्विज है आप उसको इस क्लास को असाइन कर सकते हैं। तो अभी हम क्रिएट असाइनमेंट के ऊपर एक बार जाते हैं। ये क्रिएट असाइनमेंट का जो आइकन है, मैं इसको असाइनमेंट क्रिएट करने के लिए ये मैं इस पे चला गया हूँ। अब आप नेक्स्ट स्क्रीन में आप देखेंगे कि असाइनमेंट की डिटेल्स मुझे डालना है। असाइनमेंट की डिटेल क्या है? असाइनमेंट की डिटेल ये है कि ये हमारा जो फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम है FB की, सपोज कीजिए कि ये दूसरा सेशन है, सेकंड सेशन का ये जो है फर्स्ट असाइनमेंट है। ये मेरा इसका असाइनमेंट का टाइटल हुआ। इसके नीचे मुझे इंस्ट्रक्शन देना है। इंस्ट्रक्शन किस तरीके से देना है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी आपने आज सीखा है उसी के बेसिस पे अपने जो एक्सपीरियंसेस इस असाइनमेंट के अंदर शेयर कीजिए। तो ये इसमें मुझे असाइनमेंट के अंदर लिखना है, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस क्लास। ये मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया असाइनमेंट के लिए। अब यहां पे जो है, अब मैं कुछ अगर अटैचमेंट मुझे कुछ देना है, कोई डॉक्यूमेंट मैंने देना है उनको, तो वो मैं यहाँ पे अटैच कर सकता हूँ। अगर मुझे कोई लिंक भेजना है कि भाई इस लिंक से भी आप हेल्प ले सकते हैं, तो वो मैं यहाँ से लिंक शेयर कर सकता हूँ। और अगर मेरे पास पहले से कोई लाइब्रेरी में मटेरियल पड़ा है, मैं उसको शेयर करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से लाइब्रेरी से शेयर करूँगा। सपोज कीजिए कि मैं अटैच करना चाहता हूँ। अब ये जैसे ही मैंने इसको किया, इसने अटैच फाइल के लिए मेरे सिस्टम की तरफ डायरेक्ट कर दिया। अब मेरे सिस्टम में अगर कोई फाइल है तो मैं उस फाइल को इसके अंदर शेयर कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अब मुझे कोई ऐसी फाइल फिलहाल नजर नहीं आ रही है। तो इसमें इसी तरीके से आप कोई भी, जैसे ये हैंडआउट मैं करता हूँ, हैंडआउट की पीडीएफ फाइल है, इसको मैं इसको अटैच कर देता हूँ। ये हैंडआउट की पीडीएफ फाइल आपकी अपलोड हो गई है। तो अभी ये चीजें आपके तैयार है। फिलहाल आप बच्चा क्या करेगा, जो पार्टिसिपेंट है वो इसको खोलेगा, खोलने के बाद इस असाइनमेंट को कंप्लीट करेगा और जो अपलोड उसको करना है वो वहां से वो उसको अपलोड करेगा, या ऑनलाइन उसको अगर असाइनमेंट क्रिएट करना है तो वो फैसिलिटी वहां उसको मिलेगी और इसको सबमिट करेगा। अब मैं इसको असाइनमेंट के लिए जो ऊपर असाइन ब्लू जो हमारा रिबन है इसके अंदर असाइन करने के लिए एक आइकन है, वो उसको मैं असाइन करूंगा। असाइन करने के लिए ये असाइन किया। अब आप ये ध्यान दें, ये असाइनमेंट था, असाइनमेंट एक बहुत सारी सब एक्टिविटी, छोटी छोटी एक्टिविटीज का एक कंपेंडियम है, एक बंडल है जिसमें स्टूडेंट को कुछ एक एक्टिविटीज करनी है, तो ये उसके लिए काफी है। इस तरीके से वो असाइनमेंट बनाएगा और फिर अपना जो प्रोडक्ट है उसको अपलोड करेगा। तो यहाँ पे मैं असाइन करता हूँ। असाइन करने के लिए मैंने इसको क्लिक किया। अब यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आप देखेंगे कि फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम में, बिकॉज मैं पहले से था तो मैंने असाइनमेंट जब इसका करना है इस असाइनमेंट का, तो ये ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इसने मुझे दे दिया कि क्योंकि मैं इसी क्लास के लिए काम कर रहा हूँ तो यहाँ पे वो कर सकता है। अब इसके आगे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि इसमें FDP के साथ साथ नीचे बहुत सारी और चीजें हैं।
ये मैंने पहले किसी दूसरे वर्कशॉप के लिए स्टूडेंट को इसमें एडमिट किया था पूरे उसके अंदर, तो ये असाइनमेंट मैं किसी भी स्टूडेंट को दे सकता हूँ। आप देख पा रहे हैं कि अभी मैंने जो किए थे दो मोहन कुमार और एक नरेश कुमार। अब नरेश कुमार आप देखेंगे कि तीन नाम है, नरेश कुमार के नाम को मैं पहले भी इस्तेमाल करके और उनकी एक आईडी में क्रिएट कर चुका हूँ, तो ये सारे नाम मुझे यहाँ पे नजर आ रहे हैं। तो जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को भी कोई असाइनमेंट दोबारा करने के लिए दे सकते हैं, अगर आप उसकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है, उसने पहले कुछ काम किया आपको सबमिट किया और आप उससे सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप दोबारा उस एक अकेले स्टूडेंट को भी ये चीज असाइन कर सकते हैं। तो ये फैसिलिटी यहाँ पे आपको मिलती है। तो अब जो हमारा करंट केस है, इस केस में हम पूरे ग्रुप को, जो हमारा पूरा पार्टिसिपेंट्स का ग्रुप है, ये सबको ये एक्टिविटी असाइन करेंगे। अब इसमें आप देखेंगे कि ड्यू डेट, आप इसमें एक ड्यू डेट इसमें देंगे। सपोज कीजिए कि आज जो है ये 18 तारीख है और ये ड्यू डेट हम 30 तारीख तक हम देते हैं। 30 तारीख को किस टाइम तक ये अवेलेबल रहेगा, ये 11:59 रात तक ये अवेलेबल रहेगा, और उसके बाद आप चाहते हैं कि लॉक हो जाए ड्यू डेट के बाद या फिर भी अवेलेबल हो, तो आप पे ये है कि आप इसको लॉक करना चाहें तो लॉक करेंगे, और अगर आप अब चाहते हैं कि ये फिर भी बाद में अवेलेबल रहे कोई बात नहीं, लेट भी अगर दे रहे हैं तो ये स्टूडेंट जो है वो इसको लेट सबमिशन करके और वो हमें इसको दे दे। तो हम फिलहाल इसको लॉक करते हैं कि ये स्टूडेंट जो है वो आखिर से आखिर में 30 तारीख तक इस असाइनमेंट को सबमिट करना है। अब आप नीचे देखेंगे कि बाय डिफॉल्ट जो है ये एक नीचे एक और बॉक्स क्लिक है, इसमें एड टू ग्रेड बुक, ग्रेड बुक के साथ में ब्रैकेट में लिखा है प्रोग्रेस। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमने स्टार्टिंग में जो एक आइकन टूल बार के अंदर देखा था, जो कि लास्ट आइकन था प्रोग्रेस का, उस प्रोग्रेस के चार्ट में प्रोफाइल जो स्टूडेंट की क्रिएट किए उसके साथ ग्रेड बुक के अंदर ये इसके मार्क्स ऐड होंगे, जो कि हम इसके मार्क्स देंगे बाद में, इसको मैनुअली हमें एसेस करना पड़ेगा, और जो असेसमेंट के बाद हम मार्क्स देंगे वो मार्क्स इसके ग्रेड बुक में ऑटोमेटिकली चले जाएंगे। इसके लिए हमसे ये टिक करना चाहता है, तो हमने इसको टिक किया है और हम इसको असाइन कर सकते हैं। अब आपने आज असाइनमेंट क्रिएट किया, अब चाहते हैं कि अभी आज की डेट में मुझे इसको ओपन नहीं करना है, मुझे इसको शेड्यूल करना है, मुझे ये नेक्स्ट मंडे पे इस असाइनमेंट को एक्टिवेट करना है, तो शेड्यूल फॉर लेटर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जैसे आपका शेड्यूल फॉर लेटर के लिए नीचे मेरे पास एडिशनल स्पेस आ गया है, तो यहाँ पे उस डेट को डाल के आप कब से इसको देना चाह रहे हैं, आप 20 तारीख से देना चाह रहे हैं क्योंकि आपने पहले क्लोजिंग डेट इसकी डाल दी है 30 तारीख, और ये किस डेट को आपको इसको एक्टिवेट करना है, आप 20 तारीख से एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, आपको सिर्फ दो दिन स्टूडेंट्स को देने हैं, आप 29 तारीख को इसको एक्टिवेट करना चाह रहे हैं, तो वो शेड्यूलिंग आप इसकी कर सकते हैं। तो अगर हमें इस असाइनमेंट को 20 तारीख से एक्टिवेट करना है और मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूं, तो इस असाइनमेंट को अगर स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से हम देखना चाहेंगे तो ये हमें वहां पे अवेलेबल नहीं होगी क्योंकि ये अभी एक्टिवेटेड नहीं है स्टूडेंट पर्पज के लिए, तो इसलिए हम इसको शेड्यूल नहीं करेंगे और हम इसको इमीडिएटली ओपन रखेंगे। हाँ, हम इसमें जो क्लोजिंग डेट है वो डालेंगे और क्लोजिंग डेट के बाद हम इसको असाइनमेंट को क्लोज करेंगे ताकि कोई भी पार्टिसिपेंट इस असाइनमेंट को 30 तारीख के बाद सबमिट ना कर पाए। तो हमारा ये सारा कुछ हुआ, हमने इसको जो है क्लिक किया, क्लिक करने के बाद हमारा जो है इसमें शेड्यूलिंग का जो है, क्योंकि हमने इसमें आइकन नया क्रिएट किया, अब इसको जब तक हम क्रॉस नहीं करेंगे तब तक ये शेड्यूलिंग मोड में रहेगा और ये हमसे एक्सपेक्ट कर रहा है कि हम इसमें एक शेड्यूलिंग की डेट डालेंगे किस डेट से ये एक्टिविटी हमें करना है, तो मैं इसको एक्स करके क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद आप देखेंगे कि असाइनमेंट का मेरा जो आइकन है वो एक्टिवेट हुआ और इसको मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे कि जो असाइनमेंट है, अब यहाँ पे एक पोस्ट यहाँ पे आ गया है कि पोस्टेड टू फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसका असाइनमेंट का नाम क्या है, FDP सेकेंड सेशन फर्स्ट असाइनमेंट। तो उसमें जो है नीचे इंस्ट्रक्शन लिखी है, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंसेस ऑफ दिस क्लास, और इसके बाद ये एक हैंडआउट PDF जो है ये क्रिएट हुआ, जो मैंने अटैच किया था वो यहाँ पे आ गया है। तो अब इस असाइनमेंट को हम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव में हम देखेंगे। धन्यवाद महोदय, महान संतोषः, भवद्भिः अस्माकं सर्वेषामपि मार्गदर्शनं कृतं, आपने हम सबका मार्गदर्शन किया, इसलिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।